देखिए लखनऊ में सचिन और सीमा हैदर से हुई पूछताछ। सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की गई है, बड़ी और अहम खबर है। करीब 10 घंटे की पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। तो 10 घंटे की पूछताछ में कई अहम सुराग पाए गए हैं, जहां सीमा और सचिन को घर छोड़ेगी एटीएस। आज फिर से एटीएस करेगी पूछताछ। तो आज फिर से एटीएस पूछताछ करती हुई नजर आएगी सीमा हैदर, और सचिन से अलग अलग गाड़ियों से दोनों को लेकर निकली है टीम। तो एटीएस के दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ जारी है, और आज भी उनसे पूछताछ का दौर जारी रहेगा। सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ हुई है। तो देखिए कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में एक आरोपी को सजा मिली है। बिकरू कांड के एक आरोपी को सजा दी गई है, बड़ी और अहम खबर है, जहां कोर्ट ने श्यामू वाजपेयी को 5 साल की सजा सुनाई है। तो चर्चित बिकरू कांड के एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। श्यामू वाजपेयी को ये सजा सुनाई है, और कानपुर देहात की एंटी डकैती कोर्ट ने श्यामू वाजपेयी को 5 साल की सजा सुनाई है। बिकरू कांड के एक आरोपी को आज सजा सुनाई गई है। बिकरू कांड में हुई थी 8 पुलिस वालों की हत्या, जिस पे अब एक और आरोपी को सजा सुनाई गई है। 5 साल की ये सजा है, और बिकरू कांड के आरोपी को ये सजा दी गई है। तो विकास दुबे की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी, तो वही चर्चित बिकरू कांड का मुख्य आरोपी था विकास दुबे, और उसी बिकरू कांड के एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। श्यामू वाजपेयी को ये सजा सुनाई है। कानपुर देहात के एंटी डकैती कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, जहां श्यामू वाजपेयी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल बिकरू कांड में पुलिस वालों पर अटैक किया गया था, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या भी हो गई थी। तो इस मामले पर लगातार जहां एक तरफ सियासत जारी थी, तो चर्चित बिकरू कांड के आरोपी को अब सजा भी सुनाई गई है। तो कानपुर में बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी और पांडू नदी का जलस्तर। गंगा नदी और पांडू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पांडू नदी के बढ़े जलस्तर के चलते घरों में पानी भी भरना शुरू हो चुका है। बर्राट समेत कई बस्तियों में पांडू नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ये पांडू नदी का पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। बर्रा समेत 8 जगह ऐसी है, जहां पर पांडू नदी अपना कहर बरपाना शुरू कर चुकी है। घरों में पानी भरने से लोग पलायन करने को अब मजबूर हो चुके हैं। तो बारिश के बाद गंगा नदी और पांडू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। तो पांडू नदी के बढ़े जलस्तर के चलते घरों में पानी भी भरना शुरू कर दिया है। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता अब्दुल मारूफ पर दर्ज हुआ मुकदमा। अब्दुल मारूफ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता है अब्दुल मारूफ, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल मारूफ के साथ ही पत्नी फौजिया खान पर यह मुकदमा दर्ज है। धोखाधड़ी, जालसाजी, झूठे दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कांग्रेस नेता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुकान हड़पने के लिए कूटचरित दस्तावेज तैयार किए गए, यानी कि एक फर्जी दस्तावेज को तैयार किया गया है। फौजिया खान के नाम पर कराई गई थी फर्जी रजिस्ट्री। मकान मालिक को झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेल भी करता था, जिस पर अब एक मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर धाराओं में चौक थाना क्षेत्र में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां कांग्रेस नेता मारूफ पर यह केस दर्ज हुआ है। साथ ही उनके पत्नी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज को तैयार करने के आरोपों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो
तीन मासूम बच्चों पर चढ़ाई कार, बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां तीन मासूम बच्चों पर कार चढ़ाने का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने की तीनों की हत्या करने की कोशिश, तो कार चढ़ाने के बाद तीन बच्चों की हत्या करने की भी कोशिश की गई है। पिता से पुराने रंजिश में तीनों बच्चों को कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी है। तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी करा दिया गया है। वही पुलिस ने आरोपी गोविंद यादव को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मलिहाबाद के काजीखेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई गई है।